हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह आप पासपोर्ट को रीइशू कर सकते हैं। तो पासपोर्ट रीइशू करने के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, कि हो सकता है कि आपका पासपोर्ट फट चुका है या फिर आपका पासपोर्ट लॉस हो चुका है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसमें आप पासपोर्ट रीइशू कराते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पासपोर्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। ये passportindia.government.in वेबसाइट है, इस पर आप जाइए। उसके बाद मैं पहली वीडियो में भी दिखा चुका हूँ कि किस तरह आप एक न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में कैसे करेंगे अगर आपका अकाउंट नहीं है। अगर आपको डाउट है अकाउंट में तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी पहले ही ऑलरेडी, अब आगे की बात कर रहे थे, हमारा ऑलरेडी अकाउंट है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मैं अकाउंट बना चुका हूँ, तो मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद ये आपकी लॉगिन हो जाएगी। जब आप एक बार लॉगिन हो जाते हैं, उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन पर जाना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या स्लैश रीइशू ऑफ पासपोर्ट। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट, आप रीइशू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अब आपका जो भी रीज़न हो सकता है वो सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पासपोर्ट के अंदर कुछ चेंजेस हैं तो ये फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कीजिए। अगर इनकेस आपका पासपोर्ट डैमेज हो चुका है तो इसको सेलेक्ट कीजिए। और इनकेस आपके पासपोर्ट के पेजेस ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो चुका है तो इस पर क्लिक करना है आपको। और अगर आपके पासपोर्ट को एक्सपायर हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगर आपका पासपोर्ट जो है अभी विद इन 3 ईयर्स में एक्सपायर हुआ है तो आपको लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अभी मैं इसके लिए, अभी मैं मान के चलता हूँ कि हमारा जो पासपोर्ट है विद इन 3 ईयर एक्सपायर हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल में अप्लाई करना चाहते हैं या तत्काल में। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी उठा लेता हूँ पासपोर्ट। और फिर पेजेस के ऑप्शन होता है, आप 36 पेजेस का अप्लाई करना चाहते हैं, 60 पेजेस का, तो मैं यहाँ पर 36 पेजेस के लिए आगे नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो आपकी डिटेल्स है वन बाय वन आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको नेम प्रोवाइड करना है, आपका सरनेम, उसके बाद आपका जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट, आपका हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, अगर आप किसी दूसरे अन्य नाम से जाने जाते हैं तो यस कीजिए, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए। अगर नहीं तो नो क्लिक कीजिए। अगर आपने पहले कभी अपना नेम चेंज किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। उसके बाद आपकी अगर प्लेस ऑफ बर्थ आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो यस क्लिक कीजिए, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करिए। इनकेस प्लेस ऑफ बर्थ आपका इंडिया ही है तो आप नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपकी सिटी है, शहर है, गांव है, कस्बा है, उसका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको स्टेट मेंशन करना है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट मेंशन करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेंशन कीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल मैरिड, जो भी हैं आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। और इसके बाद आपके पास, इसके बाद ये पूछा गया है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, तो यहाँ पर आप बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपसे पूछा गया है पैन कार्ड के बारे में, अगर आपका पैन कार्ड है आपके पास तो आप उसका नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं, अदरवाइज़ मैंडेटरी नहीं है। सिमिलरली वोटर आईडी के कार्ड के साथ भी यही है कि आप वोटर आईडी का भी नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं और ये भी मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप के, यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ करना है कि आप कौन सा एम्प्लॉयमेंट है आपका, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो भी आप जॉब करते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद ये ऑप्शन है कि आपसे पूछा गया है कि आपके जो हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है या फिर कोई भी पेरेंट है, क्या वो गवर्नमेंट जॉब पर है, अगर हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो पर क्लिक कीजिए। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको प्रोवाइड करानी है, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप क्या आप एलिजिबल हैं नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए, तो नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिनकी एजुकेशन 10वीं से आगे है तक वो पढ़े हुए हैं, तो वो नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो उसको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ 10वीं से कम पढ़े लिखे लोगों को नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका पूछा गया है आपका विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, अगर आपकी बॉडी पर कोई भी मार्क है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कीजिए। इसके बाद अपना आधार कार्ड यहाँ पर आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट आपको, इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो दी गई है इसको यस कर देना है और उसके बाद सेव माई डिटेल्स को कर दीजिए क्लिक। और
नेक्स्ट पर जाना होगा आपको। जब आप एक बार डिटेल्स कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपसे फैमिली डिटेल्स पूछी गई होती है। इसमें अपना फादर नेम, मदर नेम, और अगर आपके फादर मदर नेम के अलावा गार्जियन नेम भी है तो आप वो यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो फादर का फर्स्ट और मिडल नेम अगर है तो यहाँ पर साथ में प्रोवाइड करना है आपको। सरनेम में उनका सरनेम डालना है, वैसे ही मदर नेम में आपको मेंशन करना होगा फर्स्ट और मिडल नेम फर्स्ट इस कॉलम के अंदर, नेक्स्ट सरनेम आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जब आप ये फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस के बारे में पूछा जाता है। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा। अगर आपका आप जो एड्रेस है आउट ऑफ इंडिया है प्रेजेंट एड्रेस, तो यस कीजिए और उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। अगर नो है तो उसको नो क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपना एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, हाउस नंबर यहाँ पर मेंशन कीजिए, जो भी स्ट्रीट नंबर है वो मेंशन कीजिए। इसके अलावा आप जिस भी गांव शहर में रह रहे हैं उसका नाम मेंशन कीजिए। जो आपका स्टेट है पड़ता है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जो भी स्टेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट आती है। और आपको पुलिस स्टेशन का भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि जो भी आपके नियर बाय, मान के चलिए अगर मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिल्ली की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वो दिखाई देगा। और इसके बाद जो भी पुलिस स्टेशन नियर बाय है वो देख सकते हैं। मैंने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर जितने भी पुलिस स्टेशन है वो मुझे दिखाई दे रहा है नॉर्थ वेस्ट का। तो मैं शालीमार बाग ले लेता हूँ और एक एड्रेस के लिए पिन कोड डाल देता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर मेंशन कीजिए। टेलीफोन नंबर मैंडेटरी नहीं है, अगर प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको मेल आईडी प्रोवाइड करानी है। जो भी आपकी मेल आईडी है वो यहाँ पर ज़रूर प्रोवाइड कराइए। इसके बाद ये पूछा जाता है आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो, इसके बाद पूछा गया है कि आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है। अगर है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें भी आपको यस सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पूछा जाता है। जो भी आपके रिलेटिव हैं उनका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। साथ में नाम के साथ आपको एड्रेस भी मेंशन करना है, वो आप फर्स्ट कॉलम में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद आपको टेलीफोन नंबर मेंशन करना है। मान के चलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया एड्रेस और ये फ़ोन नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी में। इसके बाद मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपसे प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। तो इसमें आपको सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी है। जो भी आपका प्रीवियसली पासपोर्ट नंबर था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू मेंशन करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ इशू है। और उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी, कब पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था वो आपको डेट मेंशन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू पूछा गया है कि कहाँ से वो इशू हुआ है, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, कहीं से भी हुआ है तो यहाँ पर प्लेस का नाम मेंशन कीजिए। इसके बाद आपका एक फ़ाइल नंबर होता है जो कि पासपोर्ट के एंड में होता है, आपके फ्रंट पेज होता है और या लास्ट पेज में आप देख सकते हैं, वहाँ पर फ़ाइल नंबर आपको दिखेगा, उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने कभी, आपके पास ऑफिशियल पासपोर्ट या करंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो मेरे जैसे आम लोग हैं, उनको सिर्फ डिटेल्स नॉट अवेलेबल, नेवर हैड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आपने पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई किया है पर वो इशू नहीं हुआ है, तो हमें नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अदर डिटेल्स। अब ये कॉलम्स आपको पढ़ने हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस, आपको इनको रीड कीजिए और उसके हिसाब से आपको यस या नो पर क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए नो सेलेक्ट कर देता हूँ सभी ऑप्शंस को, क्योंकि यहाँ पर ये मेजरली यही पूछा जाता है कि आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है, आप कभी डिपोर्ट तो नहीं हुए किसी कंट्री से, तो ये आपको नो क्लिक करना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद मैंने एक रफली ये पासपोर्ट फॉर्म भरा है, तो ये मैंने डेमो डाल दिया है और सारी चीज़ें मैंने एक रफली भरी है। तो ये जब आप एक बार कंफर्म कर देते हैं तो पासपोर्ट का आपको ऐसा पेज दिखता है जिसमें आपको वेरीफाई करना होता है कि आपकी चीज़ें सारी ठीक हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ में क्या डॉक्यूमेंट देने जा रहे हैं और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस में आप क्या डॉक्यूमेंट देंगे। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, आप चेक कर क्लिक कर सकते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने जा रहे हैं उस ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए।
तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत सारी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि एफिडेविट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा अगर आपका पासपोर्ट खो गया है या डैमेज हो गया है। तो इसमें आपको एक एनेक्स्टर एफ होता है, ये आप वहाँ पर काउंटर पर जाकर भी फिल करके दे सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि अगर आपको मैसेजेस आते रहें कि अपडेट चल रहा है आपके पासपोर्ट पर, तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज इस पर नो पर क्लिक कीजिए। तो मैं अभी के लिए नो पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आपको प्लेस पर सिलेक्ट करना है दिल्ली, जहाँ से भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर आई एग्री करना है, और इसके बाद आपको सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करना है, अदरवाइज़ आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, जिसमें पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट का, जिसमें आप पेमेंट करेंगे और अपना अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लेंगे। दूसरा आपके पास प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, आपने जो भी अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप कोई अपलोड करना चाहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो आप साथ में अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ, वो ये चीज़ें पासपोर्ट सेवा केंद्र भी आपके लिए करता है। तो नेक्स्ट आपको पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट पर जाना है। आपके पास दो ऑप्शन खुलते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं चाहें तो चालान के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। SBI चालान एक ऑप्शन होता है, जिसमें आपको जाके आपको बैंक में विजिट करना होता है और वहाँ से आपको पेमेंट करनी होती है। अभी के लिए मैं ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर लेता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक ये रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके फ्यूचर में काम आएगा इनकेस आप ID पासवर्ड कहीं खो जाता है, तो आप इससे भी आप चेक कर सकते हैं कुछ अपडेट्स के बारे में, और कॉल सेंटर पे भी कॉल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर लोकेशन के बारे में पूछा गया है, तो आप कहाँ की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं दिल्ली की, तो वो आपको चूज़ कर लीजिए। मेरे नियर बाय शालीमार प्लेस है, मैंने शालीमार प्लेस को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो भी स्लॉट्स अवेलेबल हैं वो दिखाई देते हैं। ये रेड स्लॉट्स जो हैं ये यानी कि अपॉइंटमेंट फुल हो चुकी है, यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते इस डेट्स पर। तो अभी 23, 24, 25, 26, 27 अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के भी अदर ऑप्शन होते हैं कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग SBI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर किसी अदर बैंक के द्वारा आप नेट बैंकिंग यूज़ करके करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस को आप यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं और अपने अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।